बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्ती की परफेक्ट कटिंग बताएंगे। ये हमने कपड़ा लिया है कुर्ती के लिए। इस कपड़े को एक बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे, अच्छे से इसको बिछा लेंगे। ये देख सकते हैं कपड़ा हमारा फोल्ड फोल्ड में हो गया है। ये कपड़े की चार लेयर है। ये कपड़े की वन साइड है। फोल्ड करने के बाद कपड़े की चौड़ाई 12 इंच है, और अगर इस कपड़े को खोल लेंगे तो इसकी चौड़ाई 24 इंच है। कपड़े की लंबाई हमने 45 इंच ली है, 45 इंच। सबसे पहले कपड़े को इस तरीके से सीधा करेंगे। इस निशान पे कटिंग करेंगे, इससे कपड़ा हमारा बिल्कुल सीधा हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा कपड़ा। तीरे का निशान लगाएंगे 7 इंच पे, यहां से भी 7 इंच पे निशान लगाएंगे। कंधे की लंबाई 7.5 इंच लेंगे, 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहां से भी हमें 7 इंच पे निशान लगाना है। इस निशान को सीधा करेंगे। ये निशान हमने गलती से 7 इंच का लगा लिया था, ये निशान हमें 7.5 इंच का लगाना है। देख सकते हैं यहाँ से हमने 7 इंच पे निशान लगाया, और यहाँ से भी 7 इंच पे निशान लगाया, और इस निशान को 7.5 इंच पर लगाएंगे। कंधे वाला निशान है ये। अब इस निशान को सीधा करेंगे। चेस्ट है 40, 40 का चौथाई भाग करेंगे हम। इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड करते हुए इसका चौथाई भाग कर लेंगे। पहले हमने इंची टेप को एक बार फोल्ड किया इस तरीके से, फिर दोबारा फोल्ड करा, फिर इसका ये चौथाई भाग निकल कर आ गया। और इस पर आप निशान लगा लेंगे चेस्ट का। देख सकते हैं 40 का चौथाई भाग 10 इंच हुआ, ये 10 इंच पर हमारा निशान लग गया। कमर का निशान 7 इंच पे लगाएंगे। अब हिप का निशान 7 इंच पे लगाएंगे। इन निशानों को सीधा करेंगे। कमर है 30 इंच, 30 का चौथाई भाग करेंगे इस तरीके से। पहले इंची टेप को एक बार फोल्ड करेंगे, फिर इस तरीके से एक बार फोल्ड करेंगे, इस तरीके से चौथाई भाग निकल कर आ जाएगा। 30 का चौथाई भाग होता है 7.5 इंच। देख सकते हैं ये 7.5 इंच आ गया है। हिप है 40 इंच, 40 का चौथाई भाग करेंगे। इस तरीके से इंची टेप को रखना है 40 इंच पर, एक बार फोल्ड करना है। ये हमने एक बार फोल्ड कर दिया है। अब इस तरीके से हम इस इंची टेप को दोबारा फोल्ड कर देंगे तो ये हिप का चौथाई भाग आ जाएगा। अब इस पर निशान लगा देंगे। 40 का चौथाई भाग होता है 10 इंच, 10 इंच पे ये हमने निशान लगा दिया है। अब इन निशानों को मिला लेंगे। चेस्ट वाले निशान से कमर वाले निशान को मिला लेंगे, कमर वाले निशान से हिप वाले निशान को मिला लेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। ये निशान हम 1.5 इंच पे लगाएंगे। आप चाहें तो 2 इंच का मार्जिन भी ले सकते हैं। इन निशानों को भी मिला देंगे। यहां से भी हमें 10 इंच पे निशान लगाना है, और यहां से भी 10 इंच पे निशान लगाना है। पूरे में हमें नीचे तक ऐसे ही 10 इंच पे निशान लगाएंगे। दामन भी हमें इसका 10 इंच ही रखना है, खोलकर ये दामन 20 इंच हो जाएगा। इस निशान को सीधा करेंगे। डेढ़ इंच का मार्जिन लेंगे चाक फोल्ड करने के लिए। ये निशान हम 1.5 इंच पे लगा रहे हैं।
इस निशान को भी सीधा करेंगे। ये हम फ्रंट कंधे का निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे। अब जो भी कंधे की लंबाई है उसका इस तरीके से हाफ कर देंगे, इस तरीके से निशान लगा लेंगे। यहाँ पर इस निशान को इससे मिला देंगे और इस निशान को इससे मिला देंगे। ऐसे ही चाहें तो मिला सकते हैं, लेकिन हम आप लोगों की आसानी के लिए इस प्लेट से ये निशान मिलाकर दिखाएंगे, ताकि कोई भी बिगनर्स आसानी से ये निशान लगा ले, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए कितनी आसानी से ये निशान लग गया है। ये जो हमने कंधे का निशान लगाया था इसको थोड़ा बढ़ा देंगे। अब बैक वाले आर्म होल का निशान लगाएंगे, यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को यहाँ से मिला देंगे। यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को आपस में मिला देंगे, चाहे तो ऐसे ही मिला ले। आप लोगों की आसानी के लिए मैं ये प्लेट से निशान लगाना बता रही हूँ, जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए काफी आसानी रहेगी निशान लगाने में। बैक आर्म होल का जो शेप हमने दिया है वो 1.5 इंच पे निशान लगाया है पहले हमने, फिर इसका शेप दिया है, देख सकते हैं। यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे, 1/2 इंच कंधी गिराएंगे। इन निशानों को मिला लेंगे। यहां से कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। पहले फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे, फिर यहां से इसकी कटिंग कर देंगे। ध्यान रहे पहले बैक वाले आर्म होल की कटिंग करना है। अब इस तरीके से ये हमें कटिंग कर लेना है। अब नीचे हमें ऐसे ही सीधी कटिंग कर लेंगे। बैक वाला पीस हमने निकाल दिया है, ये सिर्फ हमारा कुर्ती का फ्रंट वाला पीस ही बिछा हुआ है। अब इसके आर्म होल की हमें कटिंग कर लेना है। ये कटिंग हमें फ्रंट एंड बैक की साथ में करना होती है, लेकिन हमने बैक वाला पीस निकाल दिया है, हम भूल गए थे ये कटिंग करना। ये कटिंग हम बैक वाले पीस पे भी कर लेंगे। कुर्ती की कटिंग हो गई है। बैक वाले पीस का गला कटिंग करेंगे, 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। गले की लंबाई 3.5 इंच लेंगे। यहां से भी 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को मिला लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। अब जो भी नेक की लंबाई हो उसका हाफ करना है, इस तरीके से निशान लगाना है और यहां से शेप देना स्टार्ट कर देना है। बैक नेक की कटिंग हम कुर्ती पे कर लेते हैं और फ्रंट वाले नेक की कटिंग हमें बुकरम पे पहले करना होती है। गले की कटिंग कर ली है, ये हमारा बैक वाला पीस हो गया और ये फ्रंट वाला पीस हो गया।